अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अभी तक हमने क्या देखा, हमने जाना कि किस तरीके से कर्व सरफेस एरिया जो है वो निकालते हैं कॉम्बिनेशन का। अब हम देख रहे हैं कि जो सॉलिड्स है उनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अगर कंबाइन करेंगे। तो इसमें हम इस तरीके से देखेंगे, दो बेसिक सॉलिड में एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, शंता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो यहां पर एक क्यूबॉइड है इनके पास और उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर है। बेस ऑफ जो शेड का है, इस शेड का वो है 7/15, यानी ये 7 हो गया, दिस इज 7 एंड दिस इज 15। ये इन्होंने देख भी रखा है डायग्राम में। जो हाइट है क्यूबॉइड पोर्शन का वो 8 है, यानी क्यूबॉइड की पूरी इन्होंने डायमेंशन दे दी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, इसके अंदर कितना हवा आएगी। इसके आगे उन्होंने पूछा, मतलब बेसिकली हमको इसका पूरा वॉल्यूम निकालना है। तो ये हमारे पास जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इस जो हेमिस्फेरिकल शेप है या हाफ सिलेंडर कह सकते हैं, हेमिस्फेयर नहीं है, ये हाफ सिलेंडर है। यहां से आपको हेमिस्फेयर दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये एक 3D स्पेस में आप इसको इमेजिन करिए, ये आपका एक सिलेंडर को अगर आधा काटे और वो उसके ऊपर रखें तो वैसा आया। तो पहले तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसके बाद ये सपोज करिए कि जो मशीनरी है इस शेड में, ये टोटल स्पेस ऑक्यूपाई करती है 300 मीटर की। अब 20 वर्कर है जिसमें हर एक जो है इतना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एवरेज में। हाउ मच एयर इज इन द शेड, अब कितनी एयर है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, अब हम ये मान रहे हैं कि अभी कोई भी आदमी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं। तो वॉल्यूम जो एयर है इसके अंदर, उसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ ये हाफ सिलेंडर जो है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम तो हम जानते हैं, सीधा तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए डिमेंशन को 15 × 7 × 8। और जो क्योंकि सिलेंडर का आधा है, ये सिलेंडर का होता है πr²h, ये वॉल्यूम होता है, उसका आधा कर दीजिए ½ × πr²h, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो टोटल स्पेस जो ऑक्यूपाई हो रहा है मशीनरी द्वारा वो इतना है। अगला स्टेप पे जा रहे हैं। टोटल स्पेस जो वर्कर ऑक्यूपाई करते हैं वो 20 × 0.08, क्योंकि 20 वर्कर है, एक 0.08 करता है, तो कुल मिला के कितना हो गया 1.6। अब जरा इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जो जोड़ा आपने उसको इसे माइनस कर दीजिए, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर जब मशीनरी और वर्कर साथ काम कर रहे हो तो 827.15 आएगा। एक जूस सेलर है, वो अपने कस्टमर्स को ग्लास से वो दे रहे हैं, अपना जूस दे रहे हैं। जो इनर डायमीटर है जो सिलेंड्रिकल ग्लास का वो है 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो बॉटम है ग्लास का वो जरा एक देखिए, ये जरा हेमिस्फेरिकल आपका रेज्ड पोर्शन, इससे क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी कम होगी। यदि हाइट उस ग्लास की 10 सेंटीमीटर है, आपको जो कैपेसिटी है ग्लास की और अपेरेंट कैपेसिटी, यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी और जो इसको हटाने के बाद कैपेसिटी होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये इस तरीके से होता तो वो कुछ अलग होता, लेकिन क्या है, इन्होंने एक रेज पोर्शन और दे दिया जिससे वॉल्यूम कम आ रहा है, लोग ग्लास को कम जब जूस है वो कम दे रहे हैं। तो जो इनर डायमीटर है वो ग्लास का, जो इन्होंने कहा इनर डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर है आपका 5 सेंटीमीटर, जो अपेरेंट कैपेसिटी है वो तो सीधा πr²h जो होनी चाहिए, तो πr²h कर दीजिए सीधा, एक सिलेंडर है ग्लास सिलेंडर टाइप होता है, πr²h कर दीजिए 196.25। अब देखिएगा अपेरेंट कैसे निकलेगा, अपेरेंट में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम लेंगे, इस पूरे से माइनस कर देंगे 196.25 से, ये वाले निकाल के। तो हम क्या करेंगे कि हमारा अपेरेंट क्या है, हम जानते हैं कि जो हेमिस्फेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr³, आर हमारे पास 2.5 है, 2/3 πr³ निकालिए 32.7 आएगी, जो हमारी अपेरेंट कैपेसिटी है जो होनी चाहिए, और जो वॉल्यूम हेमिस्फेयर का हम इसमें हटा दें तो ये आपकी एक्चुअल कैपेसिटी आएगी। यानी कि हमने क्या किया, ये जो पोर्शन है जो इन्होंने एक्स्ट्रा डाल रखा था उसको हटाया, तो हमारे पास ये एक्चुअल कैपेसिटी आएगी। एक सॉलिड टॉय है, उसका जो फॉर्म है वो हेमिस्फेयर के तरीके से है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, उसके ऊपर एक कोन है। आपको पहली चीज तो ये है कि एक सॉलिड टॉय, हेमिस्फेयर भी दिख रहा है इसमें, राइट सर्कुलर कोन भी दिख रहा है इसमें, हाइट जो कोन की है वो 2 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है बेस का वो 4 सेंटीमीटर। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है इस टॉय का। यदि राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है वो सरकमस्क्राइब करे, यानी
अब इसको डाल रहे हैं एक सिलेंडर में भी, एक राइस सर्कुलर सिलेंडर में। आपको डिफरेंस निकालना है वॉल्यूम सिलेंडर का और टॉय का। तो देखिए, हम पहले तीनों को वॉल्यूम में बहुत आसान एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि जो एरिया होता है ना उसमें हमको क्या करना होता है कि जब कर्व सरफेस एरिया वगैरह निकालते हैं तो हमें देखना होता है कौन सा सरफेस एरिया दोनों में मिक्स हो रहा है, उसको माइनस माइनस करना पड़ता है। वॉल्यूम में एक बहुत अच्छी बात है कि वॉल्यूम में तो चाहे आप एक के ऊपर बिठाएं या अलग अलग निकालें, दोनों चीजें आपको सेम जैसी आएगी। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम लेट बीपीसी, ये आपका बीपीसी, ये आपका है, ये हमारा हम हेमिस्फीयर बोल रहे हैं, और जो आपका एबीसी है, एबीसी ये हमारा हो गया आपका जो इसके ऊपर कोन खड़ा हुआ है। जो रेडियस है बीओ, ये जो बीओ है वो कोन का प्लस इसका हेमिस्फीयर का, दोनों का रेडियस है जो यहां दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो डायमीटर दिया हुआ है 4, तो 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, इसके लिए भी दोनों के लिए रेडियस ये हो गया। तो वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है। कैसे, हम कोन का निकाल लेंगे अलग से और 1/3 ये, और इसका निकाल लेंगे अलग से वॉल्यूम, है ना। तो 2/3 πr³ + 1/3 πr² कोन का 1/3 πr² ये 2/3 πr³। आर हमारे पास हमने देख ही लिया 2 है, और एच हमको मिला ही हुआ है, हाइट उन्होंने दी हुई है, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट हमारे पास है ही, इसकी हाइट खैर रेडियस के बराबर हो जाएगी, इसकी हाइट हमें मिली हुई है, हम दोनों को जोड़ देंगे 25.12 हो गया, ये हो गया। अब इन्होंने कहा कि इसको सिलेंडर के अंदर डाला, तो सिलेंडर के लिए पाया, बिल्कुल सिलेंडर के लिए भी वही रेडियस होगा, इसका रेडियस भी सेम होगा। तो अब πr² है ना, πr² ये वॉल्यूम हो गया इसका। अब ये ध्यान रखिए कि इसका हाइट कितना होगा, बस थोड़ा सा एक हाइट का देखना है। हाइट में क्या है, ये 2 है, ये भी 2 है, 2 + 2 = 4, हाइट इसकी हो जाएगी 4, तो 4 इसकी हाइट हो गई सिलेंडर की। अब जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, जो सवाल में पूछा गया है, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है और जो रेडियस हमने निकाला, हाइट और इसका रेडियस, हाइट और रेडियस निकाला, वॉल्यूम कितना होगा, जो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालेंगे उससे वॉल्यूम ऑफ टॉय हटा देंगे, ठीक। तो हमने पाई आर स्क्वायर एच में 25.12 जो भी हमने निकाला था ये माइनस कर देंगे। ये जैसे माइनस करेंगे आप देखेंगे कि जितना रिक्वायर्ड डिफरेंस है वो आपका 25.12 है।